भाई लोग देखो क्या हो गया इधर। अरे वो बंदा है ना फोन पे सर पे लगा उसको लगा चलिए भाई चाय भर के ले जा रहा है सारा गिरिया रख। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित गुप्ता। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका इस चैनल पर फील्ड के जॉब और उसकी अर्निंग के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूं, जिससे मैं आप सबके बता पाऊं कि फील्ड में कैसा कमाई है, कैसी कमाई है फील्ड में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएं कि फील्ड में कैसा काम और कैसी कमाई होती है। भाई ऑटो वाला पुलिस वाले पे चढ़ रहा था भाई गाड़ी पे। ऑटो वाला पुलिस वालों पे चढ़ रहा था भाई, पुलिस वाला लग भी नहीं रहा था यार। वो रो यूं जो डीटीसी में नहीं रहते नकली पुलिस वाले, वो लग रहा था मेरे को तो। ऑटो वाले ऑलमोस्ट चढ़ा ही देते उस पर, कैमरा तो बाद में ओपन हो पाया मेरा। अभी ओखला जा रहे हैं भाई, ऑनलाइन तो है, ओखला में ऑर्डर मिलता है ऐसे रास्ते में, ऑनलाइन है मिल जाता अच्छी बात है, अदरवाइज ओखला में ऑर्डर मिलता है। चलो फिर ऑर्डर मिलने पे ही ऑनलाइन आते हैं, मतलब ऑर्डर मिलता तो भाई लग एक ऑर्डर बच गया, ये 146 रुपये का है, सेक्टर 16 गुड़गांव का है और ओखला फेज 2 से ही पिकअप है। और स्क्रीन शॉट लगा दूँगा मैं, बाकी पिकअप लोकेशन देखे तो 600 मीटर का पिकअप है। चलो पिकअप पे मिलते हैं फिर। नोएडा यार, पहला ऑर्डर नोएडा भेज दिया यार, नोएडा में दिक्कत हो जाता है ना, ऑर्डर नहीं मिलता नोएडा में। भाई लोग ऑर्डर कैंसिल करवाना अभी ने यार, यही तो दिक्कत लगती है यार, ऑर्डर कैंसिल करना अभी ने। देखो साइड में लगा दो और पोर्टर सपोर्ट पर कॉल करेंगे पहले तो। चलो यार नेक्स्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया भाई, और बोल रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गुडविल, मतलब लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गुडविल, इसकी जात का फूफा मारूँ, लग रहा ऑर्डर बज रहा है यार। नहीं यार मेरे को उठाना ही नहीं है ये भाई देव। एक ऑर्डर और आ गया 232 का, सेक्टर 15 फैसला क्या टाइम टाइम पे चालू होता है।
स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले रहा है, ले लिया। बाकी पिकअप कितना है? पिकअप 650 मीटर लाल चौक के पास। चलो फिर पिकअप पे मिलते हैं। भाई लोग बेलन दिया, बेलन दो दो बेलन, रोटी बनाएंगे सबको खिलाएंगे। ये कैसा बेलन है, है भाई? देख रहे, दो दो बेलन है। अब भाई जिसको रोटी खानी आ जाओ, रोटी बनाएंगे और आपको खिलाएंगे, आओ। भाई लोग ड्रॉप लोकेशन 20 किलोमीटर दिखा रहा है, 2 मिनट स्लो वाला 19 किलोमीटर दिखा रहा है। ये आप गांव-गांव लेके जाएगा, सड़क बेकार मिलेगी। इससे बढ़िया इसी से चलते हैं, आधा घंटा लगेगा, 20 किलोमीटर है, ड्रॉप करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। भाई लोग लोकेशन पे तो पहुंच गया, पर अब 900 मीटर आगे बुला रहा, देखो 0 मीटर पूरा रीच हूँ मैं, 0 मीटर पूरा रीच हूँ मैं लोकेशन पे। ये एक बार और दिखा देता हूँ मैं, 0 मीटर रीच हूँ मैं। अभी व्हाट्सएप पे मेरे को ये लोकेशन दिया, देखो स्टार्ट करते हैं 900 मीटर। अब मैं 10 रुपये लूँगा इनसे एक्स्ट्रा, 900 मीटर आगे जा रहा हूँ। तो चलो फिर भाई लोग, पार्सल तो डिलीवर कर दिया, थोड़ा इंडस्ट्रियल एयर साइड जा रहा था, 302 नोएडा का बच गया है। और वो पिकअप देख लें, अरे ठीक है यार, पिकअप है 2.5 किलोमीटर का। चलो फिर पिकअप पे मिलते हैं। ताऊ 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 भाई लोग लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं। ये कुत्तों का खाना देखो भाई, ये बिल्ली वाला बैग खाना देखो, ये कुत्तों का खाना भाई देखो। ये है 460 रुपये की डब्बी है, 1.8 kg का डॉग फूड, कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्बिया। स्मॉल एंटो ये कौन सा कुत्ता है भाई है जो फोटो बन रहा कौन है भाई? जर्मन शेफर्ड, ये बड़ा होगा। रोड व्हीलर पग, भाई लोग ऑर्डर तो कैंसिल हो गया, पर अब जाके मिला गुडविल भाई 10 रुपये इस कैंसिल ऑर्डर पे। भाई ऑर्डर था ओवरसाइज, ठीक है, और कितना 27 किलोमीटर का था, ओवरसाइज में एक तो बड़ा बॉक्स था, हैं लो जो गया, दूसरा आ गया 300 का, 66 का, 300 रुपये का सेक्टर 66 कैश है ये भी, और एक बाल्टी थी। अब जैसे तैसे ले जाता मैं, मुझे पता है कैसे ले जा सकता था, पर वो कह रहे कि 302 का था ना, 350 करने के कह रहे। मैंने सीधे सीधे बोल दिया भैया 400 लगेंगे, करवाना तो बताओ वरना ऑर्डर कैंसिल करो। ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन्होंने, बढ़िया। अब इस ऑर्डर का देखें पिकअप कहाँ से है, इस ऑर्डर का पिकअप है 4.2 किलोमीटर से। अरे यार पिकअप लंबा दे दिया, चलो फिर पिकअप करके मिलते हैं। मैंने पार्सल ले लिया, ये बांध दिया मैंने, बोरा कोई सा पता नहीं ऐसा क्या है ये बोरा, और ट्रिप स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं कितना दूर दिखा रहा है, 27 किलोमीटर दिखा रहा है। कोई छोटा मोटा रास्ता
ऐसे कोई छोटा मोटा रास्ता है नहीं। चलो फिर ड्रॉप पे मिलते हैं। भाई लोग लोकेशन पे तो ऑलमोस्ट पहुंच गए। लोकेशन अभी 150 मीटर ही है। इस गली में तो थाउ। चलो फिर डिलीवर करके मिलते हैं। भाई लोग एक ऑर्डर और मिला है। वहाँ पे लगभग 2-2.5 किलोमीटर चल के मैं इधर साइड आया था। 62 का वो गोल चक्कर है ना वहाँ पे, तो यहाँ से ऑर्डर मिल रखा है। कृष्णा विहार मंडोली है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ये पता नहीं कहाँ कहाँ है, न्यू दिल्ली भी लिख रखा है। 231 का ऑर्डर है, 208 रुपये कैश लेने हैं। और रहा पिकअप लोकेशन, पिकअप लोकेशन है 1.2 किलोमीटर ये आपका गोल चक्कर से। चलो फिर पिकअप लोकेशन पे चलते हैं और फिर दिखाते हैं ऑर्डर क्या है कैसा है। भाई लोग लोकेशन पे तो पहुँच गया। कस्टमर बोल रहा है कि यहाँ माल लाना था, उठाना वहाँ से था। मतलब देख करके नहीं करा जा सकता है क्या इनसे पिकअप ऑर्डर? समझ नहीं आ रहा यार, इतना मेरे को घुमाया, अब मैं इधर ही वेट करूँगा। मैं बताओ यार, उल्टा ऑर्डर बुक कर देते हैं ना ऐसे बंदों को, क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ गुडविल मिलेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब अंदर था 50-60 मीटर, तो गुडविल देगा नहीं मुझे पता है। चलो देखते हैं ऑर्डर कैंसिल कब होगा। ऑर्डर कैंसिल तो हो गया। रीज़न क्या डाला है इसमें, रीज़न देखते हैं। 2:33 पे अभी तक तो रीज़न कुछ नहीं डाला है। देखो रीज़न का आया ही नहीं अभी तक। रीज़न आ तो गया। Inform you your order was cancelled, his personal issue, you are not eligible for goodwill. मैं कह रहा था। चलो फिर भाई लोग ऑर्डर तो आ गया। पिकअप देख रहे हो कितना दूर है? देखो ब्लॉक सी ये सेक्टर 59 में है, मैं 62 में हूँ। ऑर्डर है 188 रुपीस का और पिकअप है 1.5 किलोमीटर का। चलो पिकअप ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ड्रॉप करना है सेक्टर 85 में। चलो फिर अब पिकअप लोकेशन पे पहुंच गई। अगर इस बार कैंसिल करा ना सुअर भर दिया जाएगा मेरा। नहीं आंटी जी, काम धंधा हुआ नहीं। इधर से लेना था क्या? इधर से लेना था यार। भाई लोग लोकेशन पे तो पहुँच गए। महिंद्रा का हेलो भैया, पोर्टर बुक हुआ था? हाँ भैया, महिंद्रा के सर्विस सेंटर पहुँच गया मैं। स्टोर में ओके। सर्विस स्टोर में पांडे जी, सर्विस स्टोर पांडे, विजय पांडे। ओके जी, भाई पार्सल तो पिक कर लिया। अंदर बहुत ऐट रहा था यार बंदा, खुला मटेरियल दे रहा। मैं बोल रहा भाई इसे डब्बे में डाल दे, फिर बोला डब्बे में डालना हमारे काम है। मैंने बोला भाई वो क्या हमारा काम है, पैकिंग करके आप दोगे, माल कम होगा फिर आप हमें बोलोगे। चलो फिर 15 किलोमीटर है ड्रॉप लोकेशन, जल्दी से जल्दी डिलीवर करते हैं फिर नेक्स्ट ऑर्डर लेते हैं, है कि नहीं? नहीं मतलब सोचने वाली बात है यार। मार आपका ले जा रहा हूँ मैं, ओवर वेट है थोड़ा सा, 22 किलो का वजन है। उसमें भी तुम्हें मैं पैक करूँ, मैं उठा करके लेके आऊँ फर्स्ट फ्लोर से घूम घुमा करके,
क्या फ्री यहाँ क्या हम वो कर रहे हैं? बोल रहा पैसे कौन कमा रहा, पैसे कौन कमा रहा, उससे क्या मतलब होता है पैसे कौन कमा रहा है। चलो ड्रॉप पे मिलते हैं फिर। पार्सल तो यहाँ दे दिया, है ही इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से बहुत ऑर्डर हो तो बज ही नहीं रहा, बज ही नहीं रहा। बज जा रे बज जा, बूफर गड्डी चल, बज जा दुख चुक, बज जा ओए होए बज जा। देखा भाई है ना इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे बजते कि नहीं बजते ऑर्डर, बजते हैं ना, फिर भी नहीं बज रहा ऑर्डर, मतलब क्या करें हम, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या। हाँ ये कर लो पहले। भाई लोग यकीन नहीं मानोगे मैं कितने देर से यहाँ वेट कर रहा हूँ, ऑर्डर बजने का नाम ही नहीं ले रहा, शकल भी नहीं दिखा रहा ऑर्डर, अंकल डिलीवरी भी बज रहा है। तीन बीच पे डिलीवर कराया, 3:20 पे, और यहाँ 5:23 हो गए। अब सोचो 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ मैं, पर ऑर्डर आ ही नहीं रहा। अब मैं घर निकल रहा हूँ खाली यहाँ से, सोचा था 1500 का काम करूँगा पर यहाँ 500 का काम हुआ है यार। पोर्टर में अब काम किसी किसी दिन रहता है, किसी किसी दिन नहीं रहता, इसलिए भाई मैं लगभग 2 घंटे, सोचो सही कितना खाली बैठा मैं 2 घंटे। चलो फिर घर पे चल के मिलते हैं, घर पे चल के मिलते हैं, या रास्ते में कोई ऑर्डर मिल जाए तो वहाँ पे मिलेंगे। और बाइक में भी दिक्कत आ गई है, हॉर्न नहीं चल रहा है, हॉर्न ख़राब होगी बाइक की, देखो दबा रहा हूँ हॉर्न नहीं चल रहा, बाइक में भी दिक्कत आ गई। हेलो, अब घर आते आते कालिंदी आ गया मैं, और यहाँ से भजा है खादर से ओगला फेस वन का ऑर्डर, मैंने उठा लिया क्योंकि आज मेरे को करवानी है बाइक की बैटरी चेंज, जैसे तैसे करके, और उसके लिए पैसे करने हैं, पैसे करने के लिए काम करना पड़ेगा, तो उठा लिया। ये 98 का ऑर्डर है। चलो ड्रॉप पे मिलते हैं, मतलब पिकअप पे मिलते हैं। बस दिमाग ख़राब हो गया यार, पोर्टर ने आज ऑर्डर भेजा ही नहीं भाई से, वहाँ से नोएडा से पूरा रास्ता खाली आया मैं। भाई लोग पार्सल तो पिक कर लिया, ड्रॉप पे दिखाऊंगा पार्सल कितना बड़ा, बहुत बड़ा पार्सल है भाई, बहुत बड़ा पार्सल है। ड्रॉप पे दिखाऊंगा कितना बड़ा पार्सल है, 97-92 का ऑर्डर है ना, तो 150 रुपये देगा बंदा, और बाकी 3.7 किलोमीटर था, अभी देखते हैं, अभी 4.5 हो गया। अरे यार लॉन्ग रूट ले लिया मैंने। चलो ड्रॉप पे मिलते हैं साइज के साथ। हेलो ओखला फेस वन, भाई ऑर्डर मिल रहा है, मिल गया एक और ग्रेटर नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का एक और ऑर्डर मिल गया भाई ओखला से, ओखला फेस वन। ये क्या हो गया भाई लोग, पार्सल डिलीवर कर दिया, वो अमेजोन का वेयर हाउस है उसके अंदर डिलीवर करा है, वहीं पे एक ऑर्डर बच गया था, रुको दिखाता हूँ। पिकअप तो 3.5 किलोमीटर था, अब 3 बज रहा है,
पिकअप है कालिंदी कुंज साइन बाग से, और ड्रॉप है गौर ऑडिटोरियम ओमिनी कॉर्न ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, है कि नहीं। और ऑर्डर 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 कितने का था तो कुछ बता। ऑर्डर है 365 रुपये का भाई लोग। पार्सल तो ये है और 34 किलोमीटर दिखा रहा है, काफ़ी लंबा रूट है यार। वहाँ से घर आने का मिलेगा ही, मुझे पता है। चलो फिर ड्रॉप पे मिलते हैं जल्दी जल्दी। भाई लोग देखो क्या हो गया इधर। अरे चलिए भाई चाय भर के ले जा रहा है, सारा गिर गया रखते। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों ऑलमोस्ट परी चौक पहुंच गए अपन, ग्रेटर नोएडा की शान परी चौक। जैसे एक ये परी बैठी हुई है और उधर परी डांस कर रही है। अबे रुक जा। हाँ ये देखो एक पर यहाँ बैठी हुई है, हमारा इंतजार कर रही है। अरे थार कहाँ सूख गई। भाई लोग पार्सल तो कब का डिलीवर कर दिया, लगभग एक डेढ़ एक घंटा हो गया मेरे को डिलीवर करे, पर ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। यहाँ से घर के लिए निकल रहा हूँ, घर 35 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर आ गया हूँ मैं, 33 रह रहा है। और घर के साइड का रास्ते का ऑर्डर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ऑनलाइन तो है ही, वरना घर पे मिलते हैं।